हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर ही बहुत आराम से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी को। सबसे पहले आप समझिए कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी होस्ट की एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, कि वो इन्फेक्शन से फाइट करे। एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी है आप में तो हम बोल सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो हमें पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट इन्फेक्शन। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं। तो दो टाइप की इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब समझिए इनेट का क्या होता है। ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिलती है, जब आप पैदा हुए हैं तो वो इम्यूनिटी आप लेकर ही आए हैं, उसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। कैसा है ये, बाय बर्थ हम इसको लेकर आते हैं। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, आपने इसको अपने जीवन में उपार्जित किया है या एक्वायर किया है। तो ये क्या है, आप इसको बर्थ से ना लेके आफ्टर बर्थ करते हो क्या, एक्वायर किया है आपने एनवायरमेंट में आने के बाद कि किस टाइप की इम्यूनिटी आपको, कैसे एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहे हैं, उनसे फाइट करने के लिए कैसी एंटीबॉडी चाहिए, उस टाइप की इम्यूनिटी इसमें हम पढ़ते हैं। जनरली अब देखिए, अगर आप इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये पर्टिकुलर किसी एक इन्फेक्शन से हमें नहीं बचाता है। इसमें हम वैसी इम्यूनिटी को रखते हैं जो हमें ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। एक्वायर्ड इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये हमारे लिए कैसा होगा बेटा, ये होगा स्पेसिफिक टाइप का। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी अलग अलग मैकेनिज्म यूज करेगी, तो वो एक्वायर्ड वाला कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब देखिए इननेट इम्यूनिटी के हम चार बैरियर पढ़ते हैं, मतलब कि इस इम्यूनिटी के अंदर हमको चार चीजें पढ़नी है जो हमें प्रोटेक्शन या इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। याद कैसे करोगे आप, P2C2 से याद कर लेना, मतलब P2C2, दो लेटर P से है, दो लेटर C से है। P से फिजिकल फिजियोलॉजिकल, C का एक है सेलुलर और दूसरा क्या है साइटोकाइन। ज्यादा इसमें PhD नहीं करना, सिर्फ समझना है हमें। फिजिकल बैरियर में हम वैसे बैरियर्स को देखते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है बाहर से। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें स्किन, स्किन हमें प्रोटेक्शन देता है, ये फिजिकल बैरियर का काम करता है। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म हजार चीजें होती हैं, उसमें फिजियोलॉजी से जो हमें प्रोटेक्शन मिले उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में पढ़ते हैं। जैसे कि स्टमक के अंदर जो HCL है वो भी हमें प्रोटेक्शन देता है। कुछ हमारे टीयर्स हैं या फिर जो सलाइवा है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं किसी इन्फेक्शन से। जैसे टीयर्स और सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है, ये लाइसोजाइम एक तरीके का एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करता है और हमारी प्रोटेक्शन कराता है। तो हमने देखा फिजिकल में स्किन आएगा, फिजियोलॉजिकल में आता है HCL और टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, इसके अलावा जो म्यूकस है वो भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से। सेलुलर में हम डिफरेंट टाइप की सेल्स को देखते हैं, ऐसी सेल्स जो हमें प्रोटेक्शन देती है इन्फेक्शन से। इसमें मैं आपको एक नाम याद कराऊंगी जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, NKC से याद कर सकते हो आप, नेचुरल किलर सेल्स। ये WBC का ही एक टाइप है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है किससे, इन्फेक्शन से। और पार्ट किसका है, ये इननेट इम्यूनिटी का। साइटोकाइन, इसमें कुछ हमारे टी सेल्स आते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी में हमारे काम आते हैं। तो हमने इधर इननेट इम्यूनिटी को कवर कर लिया है। क्या क्या है इसमें, फिजिकल, फिजिकल मतलब कि जो हमारे शरीर की वैसे ही सुरक्षा देता है, जैसे कि स्किन आ गया। फिजियोलॉजिकल में हमने दो देखा है, HCL हो गया, टीयर्स हो गया, सलाइवा। टीयर्स और सलाइवा के एंजाइम आपको याद होने चाहिए जो कि है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियल से सेल वॉल को ब्रेक करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। सेलुलर में हमने एक सेल देखा है जिसको NKC बोलिए या नेचुरल किलर सेल बोलिए, और साइटोकाइन में हमने टी सेल्स देख लिया। अब बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। हमारे क्लास 12 के सिलेबस में इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें बस नाम याद होने चाहिए कि ये दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में दो टाइप के सेल आप याद रखिएगा, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट।
ये आपको याद रखने हैं, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। टी लिम्फोसाइट। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट ही वो सेल्स हैं जो हमें हमारी बॉडी में एंटीजन से बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। तो क्या देखा हमने कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है जो बॉडी को एंटीजन से बचाने का काम करता है। एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आता है और हमारे लिए इन्फेक्शियस हो उसको हम एज एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन से प्रोटेक्शन देने के लिए एंटीबॉडी बनानी होती है और ये बनाता है बी लिम्फोसाइट जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का भाग है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर आप एक लाइन याद रखिएगा, एक्वायर्ड में ह्यूमरल, ह्यूमरल में एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी किसने बनाया है? बी लिम्फोसाइट ने। सेल मीडिएटेड में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है कि ये हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है उस समय काम आता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय हम इसको यूज करते हैं, जिससे कि अगर एक किसी भी इंसान का मान लो कोई ऑर्गन खराब है, हम दूसरे इंसान से ऑर्गन लेके इनके बॉडी में ट्रांसफर करा रहे हैं, उस केस में बॉडी उस ऑर्गन का रिजेक्शन ना करे, इस वजह से हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो एक बार हम इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी एबिलिटी है कि हम इन्फेक्शन से कैसे फाइट करते हैं। जनरली दो तरीके की इम्यूनिटी की बात की गई है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड हमने आफ्टर बर्थ यहाँ पे एक्वायर की है। बाय बर्थ अगर है तो नॉन स्पेसिफिक होगी, ब्रॉड रेंज के इन्फेक्शन से बचाएगी हमें। ये वाली क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बना के हम उससे अपनी सुरक्षा करते हैं। इसमें चार बैरियर देखा है हमने कि इननेट इम्यूनिटी चार तरीके से हेल्प करेगी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइंस। और इसमें दो तरीके का देखा है, एक्वायर्ड में ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल में हमें याद रखना है कि एंटीबॉडी बनता है, और सेल मीडिएटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम करता है। तो ये था इम्यूनिटी पे छोटा सा लेक्चर। ऐसे ही और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।